भाई एक मज़ेदार कॉन्सिडेंट हो गया, पता है दीदी का कह, दीदी कह रही हैं चद्दर नहीं हुई तो हमको ठंडी लग जाएगी, हमने कहा चद्दर होगा कैसे नहीं, तो दीदी बोले नहीं होगा, हमने कहा होगा दीदी शर्त लगा लिया, हमने कह रही 1000 रुपये की शर्त है चद्दर नहीं होगा, हम बोले 1000 की शर्त लगा लो होगा, तो शर्त लग गई हमारी दीदी, मम्मी हमारी गवाह है, आप लोग भी हमारे गवाह हैं, जिन्होंने सबके सामने शर्त लगाई चद्दर होगा चद्दर नहीं होगा, दीदी बोले चद्दर होगा, हम बोले नहीं, दीदी बोले चद्दर नहीं होगा, हम बोले चद्दर होगा, अगर चद्दर हुआ तो 1000 भाई ये सफर का किराया 1000 वसूल होता है, अब तो हमको ट्रेन का सच सच में बेसब्री से इंतजार है भाई, कितनी जल्दी ट्रेन आए, कितनी जल्दी हम पहुँचे अपने सीट पर। बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अब आज जैसे कि 5 तारीख है तो अब हमको निकलना है, आज हम मम्मी दीदी जा रहे हैं इंदौर, रात की ट्रेन है, अब 5 बज रहा है, बिनकी से निकल चुके हम लोग, मम्मी की दवा ख़त्म हो गई थी तो दवा ले रही हैं मम्मी और दीदी, अब यहाँ से बस पकड़ेंगे, बस से कानपुर निकलेंगे, वहाँ से कानपुर स्टेशन से बैठना है, फिर जाके रात की बस सुबह 9 बजे उतारेगी, तो फिर इंदौर जा रहे हैं, वहाँ घूमा जाएगा, एक तो मेन वहाँ फंक्शन है वो अटेंड किया जाएगा, दूसरा और भी कहीं घूमने का प्लान बनता है तो वहाँ घूमने भी जाएंगे, रात ट्रेन में खच 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 करते निकल जाएगी, देखो सब कुछ सही से हो जाए, पहुँच जाए अच्छे से, लेट ना हो वो जेन्युइन, क्योंकि ट्रेनों का प्रॉब्लम बस यही होता है कि लेट हो जाती, पका लेती बिठा बिठा के। ठीक है फिर मिलते हैं आपसे आगे। शिवांशु भाई हमारा आगे बैठा हुआ है, बैग वैग लेवा के उसको छोड़ दिया था, मम्मी हमने को लेवाने गए थे, शिवांशु भाई हमको हमारा वेट कर रहा होगा, गुस्से ही आ रही होगी उसको हमारी दीदी की मेहरबानी इतनी ज़्यादा रहती है कि जाना कानपुर है और बांदा डिपो खड़ी है, तो कह रही बांदा डिपो खड़ी तो है, ये हमारा भाई उतनी देर से इंतजार कर रहा था, बस नहीं भाई ने बस नहीं जाने दी, साला बस आने ही नहीं दी, जाने तो दूर की बात है, टाइम 5 बजे आती, 5 से ज़्यादा हो गया, भाई ने बस ही नहीं आने दिया, अब मगर आप साहब आ जाने दो। हाँ बताओ, कहाँ बता दो, बता दो भाई, बस का वेट करना पड़ रहा, शिवांशु भाई बोल रहे हैं कि अगर बताना चाहिए था बैठना हमको, तो जो थोड़ा बन ठन के होते हैं, नेकर वेकर पहन के थोड़े होते हैं भाई साहब, 9 बजे की ट्रेन है 8:45 की, नहीं 8:55 की, अभी 5 बजा है, तो वह 5 बजे 5:30 बजे बस आ जाएगी, हमें मम्मी को मुँह दिखाओ जरा, हटो हटो देख, मम्मी देख रहे इतना टेंशन भाई साहब, पता नहीं कौन बात का टेंशन, मम्मी मैं बहुत जल्दी टेंशन ले लेती है, कह रही अगर अगर बस ना आई, ट्रेन पहुँच लेट हुई गई, मतलब सारी अमान्य कल्पनाएं मम्मी पहले ही कल्पना कर लेती है, कोनो भी चीज़ अच्छा नहीं तो सब उल्टा सोच रही हमने, उतनी देर सब कुछ उल्टा निगेटिव कहाँ कहाँ हो सकता है। बस का इंतज़ार करते करते तो हम लोग गए पग, अब सेकंड ऑप्शन यूज़ किया जा रहा है, हम लोग जाएंगे यहाँ से चौड़ागरा, चौड़ागरा से उधर से कानपुर डिपो और फतेहपुर डिपो, बांदा डिपो दोनों मिल जाती है जेन्युइन आराम से, तो वहीं से जाएंगे, मम्मी और दीदी चली गई ऑटो से, हम और अंशु जाएंगे बाइक से, अंशु जाएंगे बाइक से, तो वो लोग निकल जाएंगे, हम लोग पीछे बाइक से भरोसे पहुंच जाएंगे आराम से फटाफट, बस का इंतज़ार करना वो सही रहा नहीं, वो टाइम हो रहा है ज़्यादा, 6 बजे वाली 6 बजे में निकल, चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे, बाय। तो हम लोग चौड़ागरा आ गए, सब लोग आ गए, अब यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं, अब यहाँ बस आ जाए, अब यहाँ से पहुँचने में टाइम कम लगेगा भाई साहब, बट अब तो अच्छा अच्छा कम लग रहा है, बुरा बुरा सा लग रहा है, इतनी देर से खड़े, 5 बजे निकले थे, 6 बज गया, 6:30 बज गया, इंतजार करते करते 6:30 बज गया, मजा देर में यहाँ से बस गई, शिवांशु भाई की कोचिंग का भी नुकसान हो गया हम लोगों के चक्कर में, पता नहीं कितनी देर और लगेगा बस का वेट करते करते, फाइनली गाइस बस आ गई है, अब इंतज़ार करते करते 6:30 बज गया, अब ये बस उतारेगी हम लोगों को टाटमिल से स्टेशन, तब जाके पहुंचेंगे हम लोग, फाइनली गाइस बस मिल गई है, शिवांशु चला गया, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, देखिए कहीं जाम ना मिले, अगर जाम मिल गया तो फिर लेट होने के अब चांसेस हैं, लेट होकर तो बवाल हो जाएगा, डांट पूरी हमको मिलेगी, हमने कहा था कि 5 बजे तक यहाँ से मिलेगी,
फाइनली गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं, फाइनल गाइस पहुंच गए हैं। कुछ भूख लग रही थी कुछ खाने को, तो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खा रहे हैं। वो मैं देखो 12 बज रहे हैं पूरी तरीके से। अब पहुंच अभी एक घंटे है, अभी पूरा एक घंटा है ट्रेन आने में। पापा का फोन आ रहा है, पापा के पास साहब ट्रेन आने वाली है, जस्ट एक मिनट और बाकी। हम लोग जहाँ पे अपना पहुँच जाए लैंड लोकेशन पे, फिर उसके बाद जिसमें बैठने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मम्मी को तो सब पता ही है। मम्मी ज़रा सी उसमें हाइपर होने, हमने मम्मी से कहा हमें 5 मिनट ट्रेन रुकेगी यहाँ पे। मम्मी कहती बस 5 मिनट रुकेगी, मतलब कि जल्दी जल्दी बैठना पड़ेगा। मैं तो मम्मी 5 मिनट बहुत होते हैं, बट हमारे मम्मी का सीन तो अलग ही लेवल का रही है। धीरे धीरे आ रही है भाई साहब। ये देखिए जो ये बंदर बना हुआ है, हमने एक बार इसको देखा तो हमको लगा रियल में बंदर बैठा हुआ है। हमसे हो गया, फिर हमने सोचा चलो, दीदी ने भी देखा, दीदी को भी लगा ये रियल वाला बंदर है भाई साहब। कलाकारी आर्ट भाई, एक मज़ेदार कॉन्सिडेंट हो गया। पता है दीदी कह रही है चद्दर नहीं हुई तुमको ठंडी लग जाएगी। हमने कहा चद्दर होगा कैसे नहीं तो दीदी बोल रही नहीं होगा। हमने कहा होगा दीदी, शर्त लगा लिया हमने, कह रही कि 1000 रुपये की शर्त है चद्दर नहीं होगा। हम बोल रहे 1000 की शर्त लगा लो होगा, तो शर्त लग गई हमारी दीदी की। मम्मी हमारी गवाह है, आप लोग भी हमारे गवाह हैं, इन्होंने हम सबके सामने शर्त लगाई चद्दर होगा चद्दर नहीं होगा। दीदी बोल रही है चद्दर होगा, हम बोल रहे हैं नहीं। दीदी बोल रही है चद्दर नहीं होगा, हम बोल रहे हैं चद्दर होगा। अगर चद्दर हुआ तो 1000 भाई ये सफ़र का किराया 1000 वसूल हो जाए। अब तो हमको ट्रेन का सच में बेसब्री से इंतजार है भाई, कितनी जल्दी ट्रेन आए, कितनी जल्दी हम पहुँचे अपने सीट पर। बाय भाई, मतलब रेलवे, इंडियन रेलवे का प्रॉब्लम है ना, कभी टाइम से नहीं आ सकती। टाइम से आ 10 मिनट 5 मिनट से भले ही 5 मिनट लेट हो, मगर लेट ज़रूर होगी। अभी 8:45 की थी, 8:50 हो गया, 8:55 हो गया, अभी आई नहीं भाई। इंडियन रेलवे का पर्सनल प्रॉब्लम है कि टाइम से पहले तो दूर की बात है, टाइम नहीं आएंगे हम, लेट ही आएंगे। कुछ भी हो जाए टाइम से पहले तो आएंगे ही नहीं, टाइम पे भी नहीं आएंगे, लेट ही आएंगे। पता नहीं कब सही होगा योगी जी, कुछ करो साहब। भाई आ गई, इतनी धीमे धीमे आ रही। दीदी हाथ दियो, दीदी हाथ दियो। अटैक मूवी देखी, मूवी तो ज़बरदस्त थी, बट मज़ा आ गया, भूख लगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हम लोग आ गए उज्जैन पहुंच गए। उज्जैन से भी गाड़ी से इंदौर है 60 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं, 63 किलोमीटर दूर है। पूरा सफ़र जो लगा, टाइम लगा 60 किलोमीटर चलने में 2 घंटे कैसे लगते हैं। यहाँ से 7:15 में गाड़ी निकली है, वहाँ 9:05 में गाड़ी पहुँच जाएगी। 2 घंटे का सफ़र, मतलब 60 किलोमीटर ट्रेन में चलने में 2 घंटे कैसे लगते हैं। टाइम से पहले पहुँचाएगी नहीं, टाइम से पहले जैसे रुक होटल पर रोक लेंगे, ठहरेंगे स्टेशन पहले बात। भाई सुबह से उठते ही सेंटर में सवारी लेकिन कुल्ला लगते भाई जी। गए पहुँच गए, 4 किलोमीटर और बचा है, लक्ष्मी बाई नगर स्टेशन है, उसके बाद इंदौर तक पहुँच जाएंगे। वहाँ से शायद फैमिली वाले आए या फिर ऑटो से ही जाएंगे, शायद उसके लिए आएंगे, क्योंकि 3 लोग हैं, बैग भी है, बन नहीं पाएगा, इसलिए ज़्यादा ऑटो से ही पड़ेगा। टाइम पहले पहुँचा 9:15
15 मिनट का टाइम फाइनल था लास्ट स्टेशन की वजह से। 9:30-8:30 बजे पहुँच गया। 8:30 हो गया, अभी 5 मिनट और लग जाएंगे भाई जब, तो 8:35 तक आराम से ईजिली 8:35 तक पहुँच जाएंगे। फाइनली गाइस आ गए, तो पहुँच गए, मामा को फ़ोन करें इतने ऑटो कहाँ से कहाँ को मिलेंगे। जैक्सन मिल गया है, निकल लिए, 7 किलोमीटर है यहाँ से मामा का घर। गाड़ी खड़े तरीका होता है, यहाँ से तो निकल लिए, मामा के यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगेगा 25 मिनट भी लगेगा। ये है कि 9 बजे तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे भाई। तुमने तुम्हारे गाइडेंस सीधे ही आते हैं भाई, मेडल पे बैठे नहीं बीच वाली सीट में, तो इनकी गर्दन ऐसे रही पूरे टाइम में। तो मम्मी कहती है उनका ट्रेन का सफ़र कुछ पसंद नहीं आवा, बस पे डर रहा है उनका, बस पे डर रहा है। मगर मम्मी ने बोला कि बीच वाली सीट मिल गई बाकी तो अच्छा है। गाइस फाइनली अब हम लोग आ गए मामा के, साक्षी दिख रहा है, साक्षी मोबाइल गैलरी आ गए। अब चलते ऊपर, जब छोटे थे तब आते थे, मतलब आए थे शायद 5-6 साल से नहीं आए, ज़्यादा हो गया। तो अभी जब आया तो ये बिल्डिंग छोटी लग रही, तो मम्मी से बोल रही है मम्मी बिल्डिंग छोटी हो गई का, मम्मी कहती नहीं तुम बड़े हो गए। ठीक है फिर मिलते हैं आगे। तो मम्मी लोग ना इतनी जल्दी छोड़ के चली गई कपड़ा बैग आगे। तो फाइनल गाइस मामा के यहाँ आ गए हैं, अब नाश्ता पानी भी हो गया, अब जा रहे हैं नहाने। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।